राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम चिड़िया और कौवा। एक थी गौरैया चिड़िया और एक था काव काव कौवा। दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। दोनों में बहुत दोस्ती थी। चिड़िया बहुत सुबह ही उठ जाती और दाना चुगने निकल जाती, शाम को ही लौटती। लेकिन कौवा था कुछ आलसी। वो सोचता चिड़िया दाना चुनकर लाए और वो मजे से खाए। एक दिन की बात है, चिड़िया शाम को जब लौटी तो कौवे से बोली, ची 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 ची, देखो आज मैं क्या लाई। काव 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 काव, क्या लाई चिड़िया बहन? बढ़िया गेहूं के दाने। काव, इतने से दानों से क्या होगा? काव काव, ये तो मैं अभी खा जाऊंगा। नहीं नहीं, गेहूं के इन दानों को अभी खाना नहीं है? हम इन्हें बोएंगे, गेहूं के बहुत सारे पौधे उगेंगे। काव काव, उनमें से ढेर सारे दाने निकलेंगे, फिर दाना ढूंढने जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा। काव काव है, फिर तो बहुत काम करना पड़ेगा। तुमने कुछ कहा कौवे भाई? हाँ, काव काव काव, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, काव, मैं कह रहा था मुझे तो काम करना अच्छा लगता है। खेती के लिए चिड़िया ने अच्छी सी जमीन ढूंढ ली और फिर जाकर कौवे से बोली, चलो चलो जी कौवे भाई, चलो चलो जी कौवे भाई, मिलकर खेत की करें जुताई। और फिर कौवा चिड़िया के साथ चल पड़ा। तुम यही सोच रहे होगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कौवा बोला, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, काव काव मैं गाता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना, ये कहकर चिड़िया तो अकेली ही चली गई। उसने अकेले ही सारे खेत की जुताई की। खेत जोत कर थकी हारी चिड़िया घर लौटी। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह कौवे के पास पहुंची और बोली, चलो चलो जी कौवे भाई, चलो चलो जी कौवे भाई, खेतों की हो गई जुताई, अब मिलकर हम करें बुवाई, चलो चलो जी कौवे भाई। कौवे ने क्या जवाब दिया जानते हो? उसने कहा, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, काव काव मैं गाता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। चिड़िया फिर अकेली ही चली गई। जाकर उसने खेत में गेहूं बो दिए। वो बहुत खुश थी, सोच रही थी, बीज बो दिए, अब कुछ दिनों में पौधे निकल आएंगे। सोचते सोचते घर पहुंची। दूसरे दिन फिर पहुंची कौवे के पास। क्या बोली उससे मालूम है? वो बोली, चलो चलो जी कौवे भाई, चलो चलो जी कौवे भाई, खेत में हो गई जुताई बुवाई, मिलकर अब हम करें निराई, चलो चलो जी कौवे भाई।
कौवे ने क्या जवाब दिया सोच सकते हो ना? हाँ बताओ। ठीक सोच रहे हो, वही पुराना जवाब। तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, काव काव मैं गाता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। चिड़िया ने उसका इंतजार नहीं किया, उसने अकेले ही खेत में निराई भी कर ली। अगले दिन फिर पहुंची कौवे के पास, बोली, चलो चलो जी कौवे भाई, चलो चलो जी कौवे भाई, हो गई जुताई बुवाई निराई, मिलकर अब करें खूब सिंचाई, चलो चलो जी कौवे भाई। आलसी कौवे ने क्या जवाब दिया होगा? तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, काव काव मैं गाता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। चिड़िया अब तक आलसी कौवे की चालाकी समझ चुकी थी, अकेली ही चल दी। उसने खेतों में सिंचाई की, गेहूं के पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, पौधे पानी पी पी कर और बड़े हो गए, गेहूं की बालियां निकल आई। एक दिन चिड़िया फिर पहुंची कौवे के पास और बोली, चलो चलो जी कौवे भाई, चलो चलो जी कौवे भाई, देखो फसल पकने को आई, मिलकर अब हम करें कटाई, चलो चलो जी कौवे भाई। पर आलसी कौवे का तो वही जवाब था, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, काव काव मैं गाता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। बस हमेशा की तरह चिड़िया अकेली ही चल दी, फसल की कटाई की, गेहूं घर ले आई, ढेर सारा गेहूं, गेहूं पिसवा कर लाई, आटे की रोटी पकाई और गाने लगी, पक गई अब रोटी मेरी, पक गई जी, पक गई अब रोटी मेरी, पक गई जी। जब वो रोटी खाने बैठी, ताजे पिसे गेहूं के आटे की रोटियों की खुशबू कौवे के पास पहुंची तो वो भागा चला आया। काव 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 काव, गोरैया बहन, तुमने रोटी पकाई काव और मुझे खाने के लिए भी नहीं बुलाया। सुनो सुनो जी कौवे भाई, या चिड़िया बात तो ठीक ही कहती हैं, मैं तो हमेशा यही कहता रह गया। तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, काव काव मैं गाता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। मेहनत तो गोरैया चिड़िया ने की, फिर रोटी मुझ आलसी कौवे को कैसे मिल सकती है? काव 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 काव। कुछ भी हो, कौवा चाहे कितना भी आलसी हो, पर बाद में उसे अपनी गलती समझ में तो आ गई ना। चिड़िया और कौवा, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना संयोजन डॉक्टर मंजुला माथुर, आलेख मोहिनी राव, कलाकार वीना होरा, सुषमा कौशिक एवं यमन कौशिक, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दाऊदयाल चतुर्वेदी, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।